24 आज पहुंचा है पंजाब के गुरदासपुर जिले में। गुरदासपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 7 विधानसभा में से 6 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 1 सीट अकाली दल के पास है। हम कोशिश करेंगे कि गुरदासपुर जिले के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाएं, वहां की ज्यादातर जनता से बातचीत करें और वहां की जनता का चुनावी मूड क्या है वो जानें। तो चलिए आपको लिए चलते हैं गुरदासपुर विधानसभा के अंतर्गत आती सीट में और अन्य गुरदासपुर जिले के अंतर्गत आती विधानसभा सीटों में। आपका यही विधानसभा क्षेत्र? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुद्दे हैं जो विधानसभा में आपको लगता है कि इन मुद्दों को जो है बड़े मुद्दे हैं बनेंगे आने वाले चुनावों में? जो इलेक्शन जो काम किया सब कैप्टन साहब ने जो सौंप चुकी थी, हम नशा में खाएंगे, दूसरी चीज़ में खाएंगे, कुछ नहीं हुआ। वो बताओ तो अब इतने जो इलेक्शन आ रहा वा हम लोग दसन गए क्या करना है, इसके बाद वोट कैसे पानी है, वोट हूँ पार्टी बदलनी चाहते ने, पार्टी बदली श्रोमणी अकाली दल इशा होगी पूरी। तो जैसे आप कैप्टन साहब का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब वो तो चले गए, अपनी पार्टी उन्होंने बना ली, अब तो नए मुख्यमंत्री आ गए, तो वो तो काफ़ी ऐलान कर रहे हैं। हाँ जी, वो तो ऐलान कर ही रहे ना, कुछ हो रही नहीं रहा, कुछ हो कुछ है रहा नहीं। डेरा बाबा लाने में कुछ कहीं कोई बोल गया बिजली का बिल, कई लोग माफ हुआ ही नहीं अभी तक, और दो लोग तीन रुपया माफ हुआ, कुछ हुआ नहीं। युवा क्या सोच कर वोट करेगा? युवा ये सोचेगा क्या इन्होंने किया, कोई आगे करेगा कि नहीं करेगा, यही देखेंगे। तो आप क्या करते हैं? मैं दुकान पर। तो पढ़े लिखा युवा के पास पंजाब के रोजगार है, उनके पास कोई रोजगार दुकान नहीं है हमारे पास। तो यहाँ का यूथ जो है विदेशों में जा रहा है, उसका क्या कारण है? इधर कोई काम ही नहीं है, लोग बाहर जाएंगे क्या करेंगे, कोई होगा इधर तो लोग इधर काम करेंगे क्या करेंगे इधर। यहाँ मुद्दों को देखेंगे, पार्टी को देखेंगे, उम्मीदवार को देखेंगे? मुद्दों को देखेंगे जी। मुद्दे क्या लग रहा है, मुद्दे आपको कौन से बड़े मुद्दे लग रहे हैं चुनावों में? मुद्दे नशे का मुद्दा, कई तरह के मुद्दे ने, नशा ज्यादा है यहाँ पे नहीं, अगर सारे पंजाब में, पंजाब की बात कर रहे हैं कि युवा ज्यादा नशे में है। हाँ, उसका कारण क्या लगता है आपको कि सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही? सरकार करती तो है, तो पाकिस्तान से आ जाता है इधर, ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका आपका है। हाँ, तो बॉर्डर पे आप लोग रहते हैं, यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? कोई दिक्कत नहीं, मगर कोई दिक्कत नहीं आती। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या यहाँ पर सरकार को करना चाहिए? सरकार तो कर रही है जो कर रही है, ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, ठीक काम कर रहे हैं। ठीक, आप यहीं रहते हैं? यहीं पर। अच्छा, तो विकास हुआ है आपके इलाके में? विकास तो हो रहा है, ठीक है। हाँ, कोई जो कमी थी वो सब दूर होगी? हाँ, कमी जो है थोड़ी बहुत ही हो रही है, दूर थोड़ी करने वाली कर देंगे आप पे, ठीक है। अस्पताल की फैसिलिटी है यहाँ पर कि दूर जाना पड़ता है? दूर जाना पड़ता है। तो होना चाहिए अस्पताल? होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ से कितनी दूर जाना पड़ता है? काफी कलानौर जाना पड़ता है, 15-15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाना पड़ता है। 50 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो साधन है जैसे गाड़ियां समय समय पर आती जाती हैं कि आती नहीं? अपनी गाड़ी पे जाना पड़ता, अपने घर के जाना पड़ता है। साधन कोई नहीं? साधन नहीं कोई। तो आपके लिए क्या सोचते हैं, आपकी बड़े मुद्दे क्या रहेंगे चुनावों में? चुनाव में जैसे कोई अच्छे काम करेगा तो उसको पै जाएगी, नहीं तो ना सी, फिर यही बात है ना, कोई अच्छे काम करेगा फिर ही होगा ना, ठीक। अभी तक अच्छे काम नहीं हो रहे? सभी अच्छे कर रहे हैं, जो करेगा ठीक करेंगे। आपको क्या लगता है, अब चुनाव आ रहे हैं तो पंजाब की महिलाओं के लिए बड़े मुद्दे क्या रहेंगे इन चुनावों में? देखो, औरतों का सभी सहूलतें होनी चाहिए। यहाँ पर तो हमारे ये डेरा बाबा नाना की बात करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई कॉलेज वगैरह लड़कियों के लिए नहीं है। अभी लड़कियाँ अभी फतेहगढ़ जाती हैं जहाँ बटाले में जाती है, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कॉलेज तो है नहीं है, कुछ होना चाहिए ना सहूलत यहाँ पर। तो अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित मानते हैं आप लोग? सुरक्षित अभी इतना तो नहीं है, आप जानते ही हैं, इतना तो नहीं है। तो लेडीज़ के लिए अकेले बाहर जाना वो ऐसा अच्छा तो नहीं है, मुश्किल है। तो क्या हो रहा है आपके इलाके में, कामकाज ठीक चल रहा है? सर, विकास तो हो रहा है, गलियां नालियां बन रही हैं, लेकिन ये तो 70 साल से बन रही हैं, गलियां नालियां नहीं जरूरी है इतनी, जितनी डेवलपमेंट तो जरूरी है, मानते हैं इस बात को, लेकिन यहाँ तो बॉर्डर एरिया है, एक तो यहाँ कॉलेज नहीं है लड़कियों का, कॉलेज होना जरूरी चाहिए, ठीक है कि नहीं? दूसरा कोई इंडस्ट्री लगनी चाहिए यहाँ पे, बाकी हाँ, बाकी ये है कि चन्नी सरकार ने भी काम अच्छे किए हैं, कुछ ऐसा नहीं है। माहौल क्या लग रहा है आप? माहौल ठीक है, बस माहौल जो काम करेगा उसी को वोट पड़ेगी सर, दूसरे को वोट नहीं पड़ेगी। विकास की मैं बात करूँगा, विकास को आपको लगता है कि हुआ है आपके इलाके में विकास? सर, विकास देखो हर एक पार्टी का ना अपना पॉजिटिव है कि वो की सोचते हैं, ठीक नहीं, वो बारे असं कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। मेन मुद्दा देखो, जे
कोई भी इलेक्शन मैं किसी पार्टी वालों नहीं कह रहा, कोई भी बंदा ना जिस तरह कुछ नहीं, मेन मुद्दा इस टाइम पंजाब जो हालात है वो है रोज़गार का। ठीक है, आने वाली जनरेशन की करेगी वो बारे किसी कुछ कोई फिक्र नहीं है ना, इस करके हमेशा जे अपन बच्चे का फ्यूचर नहीं है नेचुरली गल बाहर जाएगा। कौन से गांव से आप? तलवंडी रामा गांव है साडा। अच्छा, फतेहगढ़ चुड़िया में आप? डेरा बाबा नानक। डेरा बाबा नानक, क्या है वहाँ हालात आपके कामकाज के, विकास के क्या हालात हैं? कामकाज तो मतलब इदा ही पदरे जी है ना, तो बहुत बढ़िया तो ना चंगे है। हाँ जी, तो क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए, क्या मुद्दे आपके लिए हैं इस बार? मुद्दे तो मेन यही है भी एजुकेशन जी वास्ते मतलब कोई सोचना चाहिए सरकार को, एक अपनी जी मतलब मेडिकल है वो वास्ते सोचना चाहिए, वो जरूरी है चाहिए, तो बाकी फ्री का नहीं कुछ लेना देना चाहिए, तो सरकार को चाहिए भी मतलब के बंदे नू अपने पैरों पर खड़न योगा करे तो आपे आप मतलब खरीद योगा हो सब कुछ। आप यहीं पर रहती हैं जी, तो आपके इलाके में क्या विकास हुआ है? हाँ जी, काफ़ी हद तक हुआ है। पहले क्या कमी थी जो पूरी हुई है? काफ़ी कमी है, पानी की प्रॉब्लम ही, नालियाँ वगैरह का सिस्टम नहीं ही सही, सड़कों का भी नहीं सही है, हम सड़क भी काफ़ी वधिया बनिया। तो बिजली की क्या हालत है? हाँ, बिजली तो 24 घंटे आती है। हम इस समय मौजूद हैं करतारपुर कॉरिडोर पर, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यही रास्ता जाता है श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे पर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और यहाँ पर आपको बता दें कि भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कुछ श्रद्धालु जो हैं वो पासपोर्ट के जरिए पाकिस्तान जाते हैं, श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में जाते हैं, और कुछ श्रद्धालु जो हैं वो यहीं से जीरो लाइन पर जो हैं श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करते हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से हैं, तो आप गए थे दर्शन करने? हमने हाँ जी यहीं से दर्शन करे इनके, जीरो लाइन। हाँ जी, तो ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को सुकून मेरा, मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से वापस जाएं। अच्छा, हाँ, तो आप ये बताएं कि आप लोग जब बाहर से आते हैं, क्योंकि दिल्ली से आप आए हैं तो यहाँ पर अब चुनाव भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जब आप बाहर से आप लोग आते हैं तो आपको सुरक्षित महसूस करते हैं आप लोग? हाँ, मतलब सेफ्टी पूरी है यहाँ पर, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जिस तरह से कई बार हम देखते हैं कि यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब जैसे कल हम आए तो बिल्कुल हम बिल्कुल सेफ फील करते हुए और अमृतसर पहुँचे और आज अमृतसर से हम यहाँ पर आए, मतलब कोई प्रॉब्लम हमें नहीं नजर आई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। मैम आप कहाँ से हैं? मैं भी दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं। हाँ जी, तो आपने भी यहीं से जीरो लाइन से दर्शन किया? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ठीक रहा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। क्या लग रहा है आपको, पंजाब में चुनाव है तो यहाँ पर चुनावों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? आप दिल्ली से हैं तो यहाँ पर क्या राजनीति क्या समझ रखती हैं कि यहाँ पर क्या हवा किस तरफ जा रही है? ये तो देखो अब पब्लिक ही बताएगी कि हवा किस तरफ की जा रही है, जो भी है ऑल द बेस्ट सबके लिए है कि सब चुनावों के लिए, ऑल द बेस्ट है सब पार्टीज के लिए, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। जैसे आप बाहर से आई हैं तो बतौर महिला आप सुरक्षित मानती हैं जब पंजाब में आती हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पंजाब में सुरक्षित मानती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से आई हूँ, ऑन द वे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ट्रैवलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ तक भी आने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, आई फील वेरी सेफ। जी जी, भाई साहब इनसे बातचीत करते हैं, भाई साहब आप कहाँ से हैं? मैं अमृतसर का हूँ। अमृतसर से हैं? हाँ। तो अमृतसर में तो अब आपने भी जीरो लाइन से दर्शन? बिल्कुल बिल्कुल, जीरो लाइन से। अब ये बताएं कि अब चुनाव हैं तो क्या सोच कर जो है आप लोग वोट करेंगे आने वाले चुनावों में? नहीं, पहली प्रेफरेंस तो यही है कि लोगों की सेफ्टी, दूसरी प्रेफरेंस यह जो महंगाई है उसको देखते हुए सही नेता को चुने, जो आने वाला जो समय है वो इस महंगाई की जो कमर है उसको तोड़े, महंगाई मुद्दा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि ये मुद्दे होने चाहिए चुनावों में? देखो, पहली प्रेफरेंस जैसे जितने भी लोग संघर्ष कर रहे हैं वो महंगाई को लेके कर रहे हैं, तो पहली उनकी सबकी प्रेफरेंस यही है महंगाई, जैसे आजकल बिजली के बिल सबके माफ कर रहे हैं तो नेचुरली बात है कि महंगाई को लेके माफ करेंगे, जो सभी वोट है उनकी तरफ झुकाव हो जाए। आपको लगता है कि रोजगार है आपके पास? रोजगार है सर, बट कम है पहले से। पढ़े लिखे जो युवा हैं, क्या उनके पास एम्प्लॉयमेंट है? नहीं है, आजकल किसी के पास ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो किन मुद्दों पर ये आपको लगता है कि आपके लिए कौन से मुद्दे हैं जो चुनावों में एड्रेस किए जाने चाहिए? एक तो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए वो लोगों के पास, आजकल जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग इस चक्कर में बहुत कुछ कर भी लेते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं कि नहीं है, और लूट मार भी होने लगी है उसके कारण, तो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए लोगों के पास। हम इस समय मौजूद हैं डेरा बाबा नानक विधानसभा के अंतर्गत आते सादावाली गांव में,
यहाँ पर हमें कुछ गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव के हालात बस से बदतर हैं। हालांकि कुछ गांव वाले ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि ठीक है, कामकाज हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आप जाइए देखिए गांव के हालात कैसे हैं। ऐसे ही चलते चलते हम एक घर में पहुंचे हैं। आप देखिए कि एक महिला है जो कि चूल्हे पर खाना बना रही है। आपको इनका घर भी दिखाएंगे, कच्चा मकान है, चूल्हे पर खाना बना रही हैं, और आप किचन देखिए खुले में है। और आप सोचिए कि अगर बारिश होगी, आंधी तूफान होगा, तो घर का खाना कैसे बनेगा, चूल्हा कैसे जलेगा। सरकार तो कहती है कि उज्ज्वला योजना के तहत आप लोगों को सिलेंडर दिए जाते हैं, गैस दी जाती है आपको, तो क्या आपको नहीं मिली? नहीं है, नहीं कुछ मिले। तो आपने किसी से बोला कि मुझे गैस सिलेंडर चाहिए? हाँ, सिलेंडर चाहिए जो है, सिलेंडर तो चाहिए, है नहीं, मैं बल्ब भी है नहीं, गैस सिलेंडर चाहिए, तो मजूरी भी सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर बगैर सड़ता नहीं, जो बच्चे रात रोंदा है मुड़ा। तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 3 है जो। छोटे हैं? दो गुड़ियां, एक काका। अच्छा, दो बेटियां एक बेटा है। हाँ जी। तो अभी आप ये क्या बना रही हैं चूल्हे पे? सब्जी लगे रही है, चाय बना रही है। हाँ जी। तो जब बारिश होती है तो फिर कैसे आपके घर खाना बनता है? तो ही चूल्हे से करीदा, कभी रसोई च रख लो, कभी बाहर कर लो, कभी बाहर कर लीजा चमकी, कभी कर लिया। हाँ जी। भूखा रहना पड़ता है? हाँ जी, भुखे भी रात रहना पैदा, मेरे न्याणे ने मेरे को कद छोटे बच्चे मेरे को कर ले, चलो नेर सवेरे की करिए छोटे बच्चे। मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार ये महिला क्या कह रही है। ये पंजाबी भाषा में बोल रही है कि सरकार जब इलेक्शन होती है तो यहाँ पर तमाम पार्टियों के नेता आते हैं और इनसे ये वादे किए जाते हैं कि आपको हम गैस सिलेंडर भी देंगे, आपके मकान भी पक्का बनाएंगे और जो जो आपकी दिक्कतें हैं उसको दूर करेंगे। लेकिन आप महिला को सुनिए, महिला परेशान है, बता रही है कि उज्ज्वला योजना का इन्हें कोई फायदा नहीं मिला, इन्हें कोई रसोई गैस नहीं मिली। आप देखिए कि चूल्हा जला रही हैं, लकड़ी गीली है इसलिए चूल्हा भी नहीं जल रहा, और जब बारिश होती है तो आप सोचिए कि इस परिवार को भूखे तक रहना पड़ता है, मकान कच्चा है। यहाँ के इनके साथ जो मोहल्ले वाले हैं, एक महिला और है इनके साथ, अब इनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या कहना चाहती हैं। मैडम, आप जो हैं, आपके यहाँ पर रहती हैं गांव में, तो ये महिला जो है बेहद ज़्यादा दुखी है, तो आप क्या कहेंगी, क्योंकि क्या कई बार इन लोगों को भूखे भी रहना पड़ता है? हाँ जी, रहना तो पड़ता ही है, पर क्या करें, सारे इस तरह ही कह देंगे, हर एक थान से जो मर्जी वेखो उदो इदा ही कहें, सहूलत मिलेगी मिलती कोई नहीं हैगी, हर बार ही कहें बार्डर के लागे वाले एरिए सहायता देंगे, सहायता फिर जिन्होंने नहीं मिलनी चाहिए उन्होंने मिल जाती, दूसरे फिर नहीं मिलती। मैं आप भी दबा सिलेंडर आपने ले लिया, तो क्या आपको लगता है कि महंगाई इस कदर है आप बरा पाती हैं उसको? नहीं, बहुत मुश्किल, 1500 रुपये में क्या करें, खाना खाइए गए, चाहे दवाई दारू ले आइए, चाहे घर का सौदा ले गए, चाहे बच्चों की फीस दिए स्कूल में फीस। मकान आपका पक्का है कि वो भी? हाँ, पक्का बनाया है, कर्जे में बनाया हमने। हाँ, इस महिला की हमने आपको रसोई दिखाई कि कैसे महिला खुले आसमान में खाना पकाने को मजबूर है, और कभी ऐसा भी हो जाता है कि खाना नहीं पकता है। अब देखिए कि जिस घर पे महिला रहती है वो घर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि कच्चा मकान है, और जब बरसात होती है, बारिश जब होती है तो ये टपकता है। आपको तस्वीरों में सामने दीवार दिखेगी, दीवार पर आपको साफ तौर पर जब पानी टपकता है तो उसके निशान आपको साफ तौर पर दिखेंगे। आप सोचिए कि उस समय इस परिवार पर क्या बीती होगी, ये परिवार कैसे रहता होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप सोचिए कि इसी घर में जो है, इसी कमरे में इनका गुजर बसर होता है। ये आप देखिए, नीचे से आपको कच्चा दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर कि इसी तरह से परिवार रहता है। सरकार कोई मदद करती है आपको? सरकार के ही नहीं कर दी, सरकार के नहीं करनी, कोई नहीं कर दी। हड़े दे आ बच्चा रोन दिया, निका जो मुंडा 3 सालों का, पैसा कोल कोई नहीं, आप नहीं होना, अभी तो आप सब दे पत्ते तो बैठे हैं सगो। तो दिक्कत आ रही होगी, बच्चे को दूध भी देना होता है? दूध भी हम देना पैंदा है, तो अभी आप होने पैसा नहीं कोल कई, आप बड़ी तंगी है, आप बहुत तंगी बैठे हैं हाथ करे, कोई मदद नहीं कर रहा। हाँ, कोई नहीं करता, किन्ने करना, हम देखो सुनता कौन है, तो सरपंच भी नहीं सुनते कदे, हम कहीं सुनना, गरीबों के कौन सुनता है, गरीबों की कोई नहीं सुनता, तगड़िया के किन्ना अगर सिलेंडर मिल गए, कोठिया के पैसे मिल गए, तो वह सब कुछ चंगे रह गए, सू कोई नहीं मिले, सू की मिलना, कहते गरीबों के बच्चे। आप सोचिए परिवार का क्या हाल है। महिला बता रही है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, कई ऐसे लोग हैं जिनको मदद मिल चुकी है, और कई ऐसे भी लोग ये बता रही हैं कि उनको दो दो बार मदद मिली है, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं वो कैसे जी रहे हैं। ये तस्वीर है, ये तस्वीर दिखाने हम आपको आए हैं ताकि जो यहाँ के चुने हुए विधायक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो देखें इस महिला का दुखड़ा, सुने, और जाहिर तौर पर उन्हें चाहिए कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए, इन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर ना किया जाए। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24 पंजाब, डेरा बाबा नानक।